विधानमंडल का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। इसी कड़ी में AIMIM के विधायक भी अपने अलग अलग मांगों को लेकर विधानमंडल पहुंचे। विधायकों ने कहा कि सीमांचल के बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा और बाढ़ से प्रभावित लोगों के विस्थापित की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि बाढ़ को गुजरे हुए कई महीने हो गए, लेकिन इसके बावजूद आज तक सीमांचल के बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा सरकार नहीं दे रही है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। ये 24 मार्च तक चलेगा और इसी कड़ी में AIMIM के विधायक भी, जो कि 5 विधायक हैं, वो भी आज अलग अलग मांगों को लेकर विधानमंडल पहुंचे। विधायकों ने कहा कि सीमांचल के बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा और बाढ़ से प्रभावित लोगों को के विस्थापति की मांग उन्होंने की है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। AIMIM के 5 विधायक भी वहां पहुंचे और उन्होंने कई बड़ी मांगे की हैं। क्या कुछ मांगे वो निकलकर सामने आ रही है मनोज जी? देखिए ऋतिक, पिछले दिनों जिस समय मंत्रिमंडल का विस्तारीकरण हो रहा था, उस समय भी AIMIM के जो 5 विधायक हैं वो नीतीश कुमार से मिले थे और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि जिस तरह से JDU अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने में लगी हुई है, ऐसा अंदेशा व्यक्त किया जा रहा था कि ओवैसी के 5 जो विधायक हैं वो सबके सब JDU में शामिल हो जाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से बात इन विधायकों से भी हमारी हुई, उन लोगों ने साफ तौर पर इनकार किया और ये बोला कि हम लोगों का जो हम लोग यहाँ पर जो मांग कर रहे हैं वही बात उस समय भी करने के लिए सीएम नीतीश कुमार के पास हम लोग गए थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं अपने प्रदेश के, तो उनसे अपनी पीड़ा वेदना बताना जरूरी है, अपनी जनता की जो मांग है उसको बताना जरूरी है। और ओवैसी की पार्टी का साफ तौर से कहना है कि सीमांचल क्षेत्र में बाढ़ त्रासदी से जो भी लोग पीड़ित हुए उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला और ये सरकार की लापरवाही है, सरकारी तंत्र की लापरवाही है, जिसको लेकर के हम लोग मांग कर रहे हैं। और अगर ये मांग नहीं मानी जाती है, अगर मुआवजा नहीं मिलता है, तो इस बजट सत्र में हम लोग हंगामा करेंगे। जी जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में आज AIMIM के भी 5 विधायक पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर जो है वो उन्होंने सरकार को कहा भी और उन पर आरोप भी लगाया है कि जो भी मांग है, जो सीमांचल के बाढ़ पीड़ित हैं उनको मुआवजा भी सरकार को देना चाहिए, और इस पर भी उन्होंने अपनी बात कही है।